हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सीएम के तोहफे का इंतजार कर रही खरखुदा वासियों को लगा झटका। खरखुदा कन्या महाविद्यालय को फिलहाल सरकारी दर्जा नहीं मिला, कॉलेज प्रबंधन दोबारा भेजेगा सीएम व पीएम को मांग। 5 वर्ष से महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज की मांग कर रही खरखुदा वासी, ताकि कम फीस में छात्राओं को मिल सके उच्च शिक्षा। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 10 कॉलेज महिलाओं के लिए खोलने का ऐलान किया था। बाद में 10 की बजाय 11 कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई, लेकिन दिल्ली से सटे खरखुदा की कन्या महाविद्यालय को सरकारी कॉलेज करने की मांग नहीं स्वीकारी गई, जिससे खरखुदा क्षेत्रवासियों को झटका लगा। इस कॉलेज को सरकारी करने के लिए यहाँ के लोगों ने भूख हड़ताल भी की थी, छात्राओं ने भी खूब प्रदर्शन किए थे, धरना भी चला था। भाजपा नेताओं ने मांग स्वीकारने का आश्वासन भी दिया था। विभिन्न क्षेत्रवासी कई बार सीएम व अन्य अधिकारियों व मंत्रियों को मांग भेजी थी। खरखुदा कॉलेज का जब नाम लिस्ट में नहीं आया तो खरखुदा कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को मायूसी ही हाथ लगी। हालांकि पिछले करीब 5 वर्ष से खरखुदा के इस कॉलेज को सरकारी करने की मांग चली आ रही है, क्योंकि खरखुदा का यह कॉलेज आसपास के 60 गांवों से जुड़ा हुआ है, जहां पर पहुंचना बेहद आसान है, लेकिन सरकारी न होने के कारण छात्राओं को भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ती है, जिसके कारण ग्रामीण हल्के की बहुत सी छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रही हैं। इसलिए की जा रही है सरकारी कॉलेज का दर्जा। जिस जमीन में कॉलेज बना हुआ है उसे यहाँ के लोगों ने सरकारी कॉलेज बनाने के लिए दान में दिया था। रजिस्ट्री भी राजकीय कन्या कॉलेज के नाम कराई हुई है। इस कॉलेज में सरकार ने कई सरकारी प्रोफेसरों की नियुक्ति सरकारी सैलरी से की हुई है। बिल्डिंग बनी हुई है, लोकेशन बेहतर है, यह कॉलेज वर्किंग पोजीशन में है। यहाँ पर गरीब की बेटियों को फ्री में दाखिला नहीं मिल पा रहा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए बार बार इस कॉलेज को सरकारी करने की मांग सरकार को भेजी जा रही है, लेकिन खरखुदा क्षेत्र की छात्राओं को अभी ये तोहफा नहीं मिला है। कॉलेज चेयरमैन वेद प्रकाश दहिया का कहना है कि कॉलेज से संबंधित डेटा व फाइलें भी विभाग को प्रस्तुत की गई हुई हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी यह डिमांड भेजी गई थी, अब इस बारे में वे दोबारा से प्रदेश सरकार को मांग भेजेंगे। आइए बात करते हैं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा से, उनका इस विषय में क्या कहना है। देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी, देखो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो सौगात सीएम खट्टर साहब ने दी है वो काबिले तारीफ है। लड़कियों के कॉलेज को ले जाने चाहिए, लड़कियों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ और बधाई देती हूँ। दूसरी बात है कन्या महाविद्यालय खरखौदा, लगातार 5 वर्ष से हम इस बात में सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि इस कॉलेज को भी सरकारी कर दिया जाए। ये भी लड़कियों का कॉलेज है, ए ग्रेड कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, 1100 लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स हम चलाते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज चल रहा है। लेकिन मैं इस बारे में समझ नहीं पा रही हूँ, कई बार मैनेजमेंट के द्वारा रिमाइंडर दिए जाने के उपरांत भी इसका कंसिडरेशन नहीं हो रहा। अगर ये कॉलेज भी सरकारी हो जाता है तो लड़कियों को नो डाउट के फीस कम देनी पड़ेगी और भी लड़कियां पढ़ पाएंगी जो नहीं पढ़ पा रही। भले ही सरकारी 2 कॉलेज हैं और दूर दराज तो कई सारे हैं, लेकिन जो लोकेशन इस कॉलेज की है, यहाँ लड़कियों का पहुंचना बहुत आसान है, बस स्टैंड के पास है और सारी सुविधाएं भी हैं। तो एक तो मैं मैनेजमेंट कमेटी से पुनरुरोध करके ज्ञापन फिर से सीएम साहब के पास भिजवाऊंगी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी और फिर से मैनेजमेंट जाकर सरकार से अनुरोध करेगी, जब 11 कॉलेज और इस सेशन में स्टार्ट किए गए हैं तो कन्या महाविद्यालय को भी ले लिया जाए। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।